अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम में आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ठीक है। देखो, कोई भी प्राणायाम हम प्रैक्टिस करते तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे पोस्चर में बैठे जिसमें कमर गर्दन सीधी रहे। अगर आप बिगिनर है तो बहुत ज्यादा भी एफर्ट नहीं लगाना है कि बैक में पेन होने लग जाए, बट आप जैसे सपोर्ट के साथ, जैसे योगा ब्लॉक है, योगा ब्लॉक को रख सकते हैं। योगा ब्लॉक के ऊपर पूरा नहीं बैठ जाना आपने, ठीक है, ओनली इसका 1/4 हिस्सा जो है अपने सिट बोन्स के नीचे रखना है। तो इससे ऑटोमेटिकली देखो बैक स्ट्रेट रखने में हेल्प मिलती है आपको, ठीक है। और ऐसे ही आप कुशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने रखना ही रखना है, ये तो नियम बना लो अपना, ओके। चलो, योगा ब्लॉक या कुशन में से कुछ भी रख लीजिए। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके लिए अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में ले आए। राइट हैंड के जो फर्स्ट टू फिंगर है, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर, उसको हमने आईब्रोज के सेंटर में टिका लेना है। अब अंगूठे से अपना राइट नॉस्ट्रल क्लोज करना है। पहले अपने चंद्र नाड़ी से, लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरना है। तो चंद्र नाड़ी को रिंग फिंगर से क्लोज करके सूर्य नाड़ी यानी राइट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़ना है। फिर अगेन सूर्य नाड़ी यानी राइट नॉस्ट्रल से श्वास लेना है और फिर चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ देना है। इसको आपने कम से कम 11 राउंड्स के लिए करना है जब आप सेल्फ प्रैक्टिस में कर रहे हो। आराम आराम से श्वासों को लेते जाना है, श्वासों को छोड़ते जाना है। जब इस प्राणायाम का अभ्यास आप कर रहे हो तो 1-2 राउंड के बाद आपने थोड़ी थोड़ी करेक्शंस करनी शुरू करनी है। जैसे कि आपने अपने कमर गर्दन पे ध्यान देकर आना है बार बार। अगर आपको बैठने की आदत नहीं है तो आपकी गर्दन और कमर रोल हो सकती है, तो आपने कमर गर्दन सीधा कर लेना है। उसके बाद कोशिश करना है जब आप इनहेल कर रहे हो तो उसको आपने ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक इनहेल करना है, यानी कि फटाफट से आपने कर लिया। और जब श्वास को छोड़ रहे हो तो कंप्लीट नॉस्ट्रल को खाली करना है। जब आप कंप्लीट नॉस्ट्रल को खाली करते हो, कंप्लीट एक्सहेल करते हो, तो नेक्स्ट टाइम जो इनहेल है ऑटोमेटिकली आप लॉन्ग कर पाते हो। फिर धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप कुंभक भी लगा सकते हो इसमें, जिससे नाड़ी शोधन बन जाता है, बट आज हम नाड़ी शोधन नहीं डिस्कस करेंगे। और आप इसमें रेशियोज भी इंक्लूड कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए जो रेशियो होती है वो होती है 1:1। जितना समय आप श्वास लेने में लगा रहे हो उतना ही समय आप श्वास छोड़ने में लगाओगे, ठीक है। और फिर इंटरमीडिएट जो होते हैं उन्होंने अगर 1 सेकंड श्वास लेने में लगाया तो 2 सेकंड श्वास छोड़ने में, यानी जितना टाइम इनहेल करने में लगाया उससे डबल एक्सहेल करने में लगाएंगे। और एडवांस के लिए क्या होता है, एडवांस के लिए हम 1 सेकंड के लिए इनहेल करते हैं, फिर उसको 4 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, 2 सेकंड के लिए छोड़ते हैं। ये कैसे हुआ, मतलब इनहेल 1, उसका डबल एक्सहेल 2 और एक्सहेल का भी डबल 4 होल्डिंग, 1:4:2 होता है। बट इनिशियली आपने रेशियोज पे नहीं ध्यान देना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रीदिंग करने का रूटीन सेट करना। हाँ, लास्ट 2 राउंड्स लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास लें, राइट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़े, राइट नॉस्ट्रल से श्वास लें, लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़े, लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास लें, राइट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़े, फिर राइट नॉस्ट्रल से श्वास लें और लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़ दें। रिलैक्स करें और फिर अंत में मंत्रा चैंटिंग जरूर करें। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद ही रखेंगे,
एक बार ओम मंत्र और फिर शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे. सो टेक अ लॉन्ग डीप इनहेल. ओम शांति शांति शांति. सामने झुकते हुए अपने ईश्वर का, गुरुओं का, माता पिता का, इष्ट देवता का और अपने स्वस्थ और सुंदर शरीर का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें प्रैक्टिस के लिए सपोर्ट किया. फिर दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे, आपस में ग्रसन करेंगे जिससे कि प्रैक्टिस की जो एनर्जी है वो पाम्स के अंदर आप फील कर पाए. फिर उस एनर्जी से अपने आईज, ईयर्स, फेशियल मसल्स को रिलैक्स करें, नेक और थ्रोट को, शोल्डर्स, आर्म्स, पाम्स को, चेस्ट, बेली, बैक को अच्छे से रिलैक्स करें, हिप्स, थाइज, नीज, काव्स, फीट अच्छे से रिलैक्स करें. देन एक बार फिर से दोनों हथेलियों को रब कर लें, रब योर पाम्स. Put your palms over your eyes and through the eyes feel this energy in your body. Slowly, slowly taking your palms away in front of your eyes, open your eyes and look into your palms. So thank you so much.